क्या आपको पता है एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे दिमाग में बम फूटने की आवाज सुनाई देती है। क्या आपको पता है कि हमारा बाल कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। आपको ये तो पता होगा कि हमारा दिमाग इतनी बिजली पैदा करता है कि एक बल्ब जला सकता है। बट क्या आपको पता है ऐसा कैसे होता है, हमारे रोंगटे खड़े क्यों होते हैं। क्या आपको पता है कि एक इंसान 7000 तरह के अलग अलग एक्सप्रेशन बना सकता है। और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने से हमारी स्किन सिकुड़ क्यों जाती है। हमारी बॉडी दुनिया की सबसे अनोखी चीज है। हमारी बॉडी के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आज तक हमें नहीं पता। आज फैक्ट चैनल आपकी बॉडी के बारे में ऐसे फैक्ट्स बताएगा जिसे जानने के बाद आपको लगेगा कि हमारी बॉडी किसी अजूबे से कम नहीं है। नंबर 10, एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम। आपने शायद इस बीमारी के बारे में सुना होगा। यह इंसान के अंदर होने वाली सबसे अजीब बीमारियों में से एक है। यह एक स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें जब आप सोने जाते हो और जब आप नींद से जागते हो तो आपके दिमाग में बम फूटने की आवाज सुनाई देती है। यह कोई रियल आवाज नहीं होता और किसी और को सुनाई भी नहीं देता, बट सच में यह काफी तेज साउंड होता है। सोचो ना कि सोते वक्त गोली चलने की और बम फूटने की आवाज सुनाई देना किसी इंसान के लिए कितना भयानक होगा। नंबर 9, दिल टूटने से दिल की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आपका कभी दिल टूटा है तो आप सोच सकते हो दिल टूटना कितना भयानक एक्सपीरियंस होता है। दिल टूटने के बाद सीने में दर्द, सांस लेने में प्रॉब्लम, इमोशनल स्ट्रेस, डिप्रेशन एक नॉर्मल सी बात है। और यही सेम प्रॉब्लम एक हार्ट पेशेंट को भी होती है। बट अच्छी बात यह है कि ब्रेकअप वाले बंदे का प्रॉब्लम कुछ हफ्तों में ठीक हो जाता है। नंबर 8, आपको पता होगा साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को एक्सप्रेशन क्वीन कहते हैं, क्योंकि वो अलग अलग तरह के बहुत से एक्सप्रेशन बना सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक इंसानी चेहरा करीब 7000 अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन बना सकता है। धरती के सारे जीवों में हम इंसान ही एक ऐसे जीव है जिसके फेस पर इतने सारे मसल्स होते हैं, इसलिए हम इतने सारे एक्सप्रेशन बना लेते हैं। साथ ही हमारे सारे पूर्वजों के चेहरे पर बाल होते थे, बट हमारे चेहरे पर बाल नहीं होते, इसलिए हमारे एक्सप्रेशन दिखते हैं। और जैसे जैसे हम और विकसित होंगे हम और अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन बना सकेंगे। नंबर 7, आपको पता होगा प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है। और अगर मैं कहूँ कि हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जिसे डिस्ट्रॉय करना लगभग इम्पॉसिबल है, तो आप क्या कहोगे। हमारा बाल इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि जिसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। यह खतरनाक एसिड और केमिकल से भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, प्लास्टिक की तरह ही इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए जलाना पड़ता है। नंबर 6, ये फैक्ट तो हर किसी को मालूम है कि हमारा दिमाग इतनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है जिससे एक बल्ब जला सकते हैं। बट क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है। नहीं ना, हमारे दिमाग में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और हमारा दिमाग लगातार इन सारे न्यूरॉन्स के पास सिग्नल भेजता रहता है। अगर हम इन सारे सिग्नल्स को कंबाइन कर देते हैं तो ये इतना पावरफुल होता है कि एक बल्ब जला सकता है। नंबर 5, आपने देखा होगा जब कोई शर्माता है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है। बट क्या आपको पता है कि शर्माते वक्त हमारे चेहरे के साथ साथ हमारा पेट भी लाल हो जाता है। एक्चुअली जब हम शर्माते हैं तो हमारी कैपिलरीज फैल जाती है जिससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और जिस जगह की स्किन पतली होती है वो जगह लाल हो जाती है, जैसे कि हमारा पेट और हमारा फेस। नंबर 4, हमारा दांत जिसे हम खाना खाते हैं सार के दांत जितना मजबूत होता है। हो सकता है आपको सुनके थोड़ा आश्चर्य हुआ हो, लेकिन ये सच है। एक्चुअली सार का दांत इंसानी दांत के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना होता है, बट सार के दांत के ऊपर जो इनामेल की कोटिंग होती है वो हमारे दांत की इनामेल से बिल्कुल मैच करता है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा दांत सार के दांत जितना मजबूत होता है। नंबर 3, आपने देखा होगा ज्यादा पानी यूज करने से हमारे हाथ और पैर की स्किन सिकुड़ जाती है। एक्चुअली जब आप ज्यादा देर तक पानी के कांटेक्ट में रहते हो तब हमारा नर्वस सिस्टम हमारे ब्लड वेसल को एक मैसेज भेजता है। मैसेज मिलते ही हमारा ब्लड वेसल उस पार्टिकुलर एरिया में खून भेजना बंद कर देता है, जिससे हमारी उंगलियों में खून की कमी हो जाती है और इसीलिए हमारी उंगलियां सिकुड़ जाती है। और ये सारा खेल इसलिए होता है ताकि हमारा हाथ पानी में फिसलने वाले ऑब्जेक्ट पर ग्रिप बना सके। नंबर 2, हमारे रोंगटे खड़े क्यों होते हैं। जब आप बहुत ही एक्सट्रीम फीलिंग को महसूस करते हो, जैसे कि जब आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, या फिर जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो, या फिर जब आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, या फिर जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तब हमारा ब्रेन उस सिचुएशन को फेस करने के लिए एक सिग्नल भेजता है जिससे हमारा मसल टाइट हो जाता है। और जैसे ही हमारा मसल टाइट होता है हमारी बॉडी के सारे बाल खड़े हो जाते हैं, बट ये किसी लड़की के टच करने से भी होता है। और नंबर 1, टेंशन और स्ट्रेस आजकल के सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज दुनिया की 33% आबादी स्ट्रेस में जी रही है और दुनिया के 5% लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। और हो सकता है आपको भी इससे पाला पड़ा हो। आज मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो। अपने अंगूठे को मुंह के सामने रख के उस पर फूकने से आपकी स्ट्रेस कम हो जाएगी। ट्राई करके देखो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।